ये आज की हमारी आप देख सकते हैं शेल ट्रेड चकोर में, और ऊपर आप देख सकते हैं हमने पैपिंग भी लगाई, हमने मगजी बना ली है बाजू पर दोनों साइड पर, बैक साइड पर भी पट्टी लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ एक प्यारी सी वीडियो शेयर करने वाली हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी एक बेबी शर्ट बनाने का तरीका, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी। आगे से हम जो बेबी शर्ट बनाएंगे वो आगे से गोल रखेंगे और पीछे से चकोर रखेंगे, और आगे से हम शर्ट को थोड़ा ऊपर भी रखेंगे। वो मैं आगे चल कर वीडियो को बताती हूँ कितना आगे वाली शर्ट जो आगे वाला ऐसा फ्रंट साइड का नहीं है वो छोटा रखेंगे, और पीछे जो होगा ना उसको हम लॉन्ग रखेंगे। तो पहले हम कटिंग करते हैं तो फिर स्टिचिंग करते हैं। हमारी जो बेबी शर्ट नहीं है उसकी हमने लेंथ लेनी है 20 इंच, मतलब आपने लेंथ लेनी है 20 इंच, सही है सारी, मतलब फ्रंट साइड की भी ले लें और बैक साइड की भी ले लें। हमने ले लिया फ्रंट साइड और बैक साइड की लेंथ 20 इंच, और जो हमारी चौड़ाई नहीं है वो है 15 इंच। अब हमारी फ्रंट साइड नहीं है उसको हमने शॉर्ट रखना है ना आगे से, तो वो हमारी होगी 17 इंच, नीचे वाली 20 होगी, आगे वाली जो फ्रंट साइड नहीं है उधर से आप 3 इंच निकाल दें। इस तरह हमने तो निकाल लिया ना, आप निकाल लें तो आपकी होगी 17 इंच। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड, इस तरह हमने फोल्ड करके रखा है, ये आप देख सकते हैं। अब हम कटिंग करते हैं। ऊपर से हमारा तीरा है 5 इंच, और शोल्डर है 5, क्योंकि आज हमारी छोटी बेबी की शर्ट है इसलिए तीरा इतना लंबा नहीं है, छोटा ही है 5 5 इंच। ये हमारा कटिंग हो गया तीरा और शोल्डर की। अब हमारी जो चेस्ट वाली जगह नहीं है 7 इंच, ऊपर से फ्रंट साइड और बैक साइड के ऐसा जो नहीं है उसको आप इस तरह अलहदा कर दें कैंची। ये अब हमारा बैक साइड वाला ऐसा है, ये हमारा फ्रंट साइड वाला ऐसा है जो हमने शॉर्ट रखा है, ये वो वाला ऐसा है। गला नहीं है उसको हमने इस तरह वी शेप में कट करना है, वो उसकी हमने लेंथ लेनी है 4 इंच, इस तरह हमने तिरछा करके रख दिया है, और जो हमारी चौड़ाई आ रही है ना वो 2 इंच है वी गले की। तो ये आप देखें इधर हमने निशान लगा लिया है, इंच टेप को हमने इस तरह तिरछा करके रख दिया है। तो अब हम कटिंग करते हैं। तो हमने 3.5 इंच पर इस तरह फ्रंट साइड पर इस तरह हमने कट लगा देना है। फ्रंट साइड नहीं है, बरकी हमने रखनी है 8 इंच, और जो हमारा फ्रंट साइड नहीं है उसको हमने आगे से गोल घेरे में रखना है ना, तो उसको हमने इस तरह थोड़ा सा गोल शेप में इस तरह कट कर देना है 1 इंच, मतलब इधर से गुलाई में दे देना है। ये थोड़ी सी इस तरह देंगे तो हम गुलाई में आ जाएगी। सिर्फ फ्रंट साइड वाला जो हिस्सा नहीं है उसको सिर्फ गुलाई देनी है, जो बैक साइड वाला हिस्सा ये हमारा है ना ये चौड़ाई में ही रखना है आपने, इसको गुलाई में नहीं देना। तो ये आप देखें ये हमारी फ्रंट साइड किस तरह कटिंग हो गई है, और ये हमारी बैक साइड है, ये देख सकते हैं आप लॉन्ग लग रही है और ये थोड़ी शॉर्ट लग रही है। ये हमने लॉन्ग रखी है और ये फ्रंट साइड वाला हिस्सा है जो शॉर्ट रखा है, पीछे से हमने चकोर रखा है और आगे से गुलाई में दिए। तो ये हमारी कटिंग हो गई है, तो फिर हम आप स्टिचिंग करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और ये इस तरह की आप देख सकते हैं हमने पैपिंग ले ली है, ये आप देख सकते हैं इसके साथ हमने मैच कर लिया, तो ये भी हम लगाएंगे जब स्टिचिंग करेंगे ना तो तब। अब हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी फ्रंट साइड है ना, तो जो हमने गले पर ऐसे वी बनाकर शेप और नीचे कट नहीं लगाया था उधर, अब इस तरह की हमने पैपिंग मैंने आपको दिखाई थी हम वो लगाने लगे। इस तरह आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने इस तरह सीधा करके रखा है ना, आप इसी तरह सीधा करके रखें, जो शर्ट नहीं है उसको आपने सीधा रखना है और ऊपर पैपिंग को इस तरह रखना है। हमने जो पैपिंग नहीं लगाई
इतना सा हाफ इंच का कपड़ा सिर्फ बीच में छोड़ना है आपने, और फिर इस तरह आपने पैपिंग को अंदर की साइड पर इस तरह सीधा कर देना। ये इस तरह हमने अंदर की साइड पर आप देख सकते हैं हमने सीधा कर दिया, तो आप ऊपर एक और सिलाई लगा देंगे तो इस तरह हमारी पैपिंग लग जाएगी गले। देखें इस तरह हमारी गले पर इस तरह पैपिंग लग गई है। ये हमने छोटा सा कट भी रखा था तो नीचे भी इस तरह पैपिंग आ गई। फिर मैं आपको जब फुल लुक दिखाऊंगी ना तो फिर नज़दीक करके सारा कुछ दिखा दूंगी किस तरह हमारी पैपिंग आई है। तो ये अब हमारी पैपिंग लग गई है, तो इसके नीचे अब हमने इस तरह ओपन तो नहीं ना रखना, तो इसके नीचे हमने कपड़ा लगाना है, वो मैं अभी आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये इस तरह का हमने पीस ले लिया है, इसको पहले इस तरह फोल्ड करें। जो हमने पीस लेना है ना उसकी लेंथ हमने 5 इंच लेनी है ना, और जो चौड़ाई नहीं है उसकी लेंथ लेनी है हमने 2.5 इंच। तो इस तरह मैंने जिस तरह आपको आगे बताया इस तरह आप फोल्ड करें, फिर इस तरह फोल्ड करें, फिर इस गले के नीचे आप रखें। ये इस तरह जो पीस मैंने अभी आपको बताया नहीं है जिसकी लेंथ, उस वाले पीस को हमने इस तरह नीचे आप रखा है। अब ऊपर से इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारे वी गले के ऊपर इस तरह पैपिंग लग गया, तो जो मैंने आपको कपड़ा बताया वो भी ये इस तरह हमने नीचे लगा। तो अब हमने फ्रंट साइड और बैक साइड को लेना है, इस तरह ऊपर वाली तीर वाली सिलाई लगा। तो अब हमने शर्ट लेनी है, शर्ट का जो शोल्डर नहीं है उस पर हमने इस तरह की तिरछी पट्टी कट कर लिया है, तो हमने मगजी बनाकर लगानी है पैपिंग जैसी। अब देख सकते हैं हमने एक सारी सिलाई लगा ली है। अब ये आप देखें इसको इस तरह हमने अंदर की तरफ फोल्ड करने, जिस तरह मगजी नहीं बनती इसी तरह हमने बना लेनी। अब हमारे दोनों शोल्डर इस तरह हम बन गए हैं, मगजी बन गया है। तो अब हमने शोल्डर को इस तरह फोल्ड किया है, बाजू तो हमने नहीं ना लगानी, इस तरह मगजी बनाई है। तो अब हम यहाँ से लेकर जहाँ तक चाक नहीं रखे थे उधर तक सिलाई लगानी। तो अब आप इस तरह डबल फोल्ड करके रखे ना, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना उसको आपने कट कर देना है। तो ये हमारी फिटिंग वाली सिलाई लग गई है। तो अब ये देखिए हमारे फिटिंग वाली सिलाई लग गई है, ये शोल्डर भी और ये पैपिंग भी। अभी बैक साइड वाला गला रहता है वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो अब नीचे आप देखें आगे से हमारी जो शर्ट नहीं है वो गोल है, ये आप देखें, और पीछे से चकोर है। तो हम इधर आप नीचे सिलाई लगाते हैं सारी फ्रंट साइड पर भी और बैक साइड पर भी। ये इस तरह आपने चाक ले लेने हैं, इस तरह छोटे छोटे करके फोल्ड करने हैं, हाफ इंच देना है कपड़ा बीच में सिर्फ। देखिए हमारी फुल जो घेरी नहीं है आगे वाले फ्रंट साइड गोल लगाई है, और ये पीछे हमारा चकोर है ना, तो ये देखिए हमने चकोर लगा लिए। पीछे का 2-3 इंच फालतू भी था और फ्रंट साइड वाला थोड़ा शॉर्ट था। अब हमने बैक साइड वाला गला को इस तरह थोड़ा सा गुलाई में कट कर देना। ये हमारा बैक साइड वाला गला गुलाई में इस तरह कट हो गया है। ये अब हमने इस तरह बैक साइड वाला गला लिया है, तिरछी पट्टी ली है, उसको हमने इस तरह फोल्ड करके रखा है। अब ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। अब इस तरह बैक साइड का जो गला हमने नहीं लगाया उस तरह इस तरह छोटे छोटे कट लगा लें आप इस तरह। अब देखिए हमारे छोटे छोटे कट लग गए हैं, तो अब हमने इसको इस गले को इस तरह अंदर की साइड पर सीधा कर लेना है और ऊपर से हमने सिलाई लगा देनी है। ये आज की
हमारी आप देख सकते हैं शर्ट रेडी हो गई है, नीचे चकोर में और ऊपर आप देख सकते हैं गुलाई में, जो हमारी फ्रंट साइड नहीं थी ये आप देख सकते हैं। हमने पैपिंग भी लगाई थी वी गले पर और थोड़ा सा जो कट रखा था उधर भी लगाई थी, और इस तरह के हमने मगजिया बना लिया बाजू पर दोनों साइड पर, इस तरह बैक साइड पर भी पट्टी लगा दिया। ये हमारी जो बेबी शर्ट नहीं है ये रेडी हो गया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये आप देख सकते हैं गोल घेरे वाली कमीज कितनी ब्यूटीफुल लग रही है।